नूरपुर की पंचायत गुरचाल की 21 वर्षीय निशा ठाकुर ने 26 जनवरी 2019 को गणतंत्र दिवस पर हिमाचल, हरियाणा, पंजाब व चंडीगढ़ का परेड में प्रतिनिधित्व करके अपने माता पिता व सूबे का नाम रोशन किया था। निशा अपने परिवार की इकलौती बेटी है। निशा ठाकुर के परिवार में पिता सरन सिंह जो कि लोक निर्माण विभाग से सेवानिवृत्त हुए हैं और माता सूती देवी गृहिणी हैं। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान निशा ठाकुर ने कहा कि उसने 10वीं कक्षा वजीर राम सिंह पठानिया मेमोरियल हाई स्कूल गुरचाल में 2019 में की थी, जिसके बाद बीटीसी गर्ल्स स्कूल नूरपुर से प्लस टू और बाद में धर्मशाला से वे कॉलेज कर रही हैं, जहां वे बीए लास्ट ईयर की छात्रा हैं। एनसीसी की जानकारी देते हुए सीनियर अंडर ऑफिसर निशा ठाकुर ने बताया कि फर्स्ट ईयर में एनसीसी में उन्होंने प्रवेश किया था और फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में ट्रेनिंग की थी। सेकेंड ईयर के कैंप में भी उन्होंने भाग लिया था। उन्होंने बताया कि नेशनल कैंप में बच्चों को योग्यता के अनुसार भेजा जाता है। उन्होंने बताया कि हिमाचल एक ग्रुप है जिसमें शिमला ग्रुप जाना जाता है। आरडी परेड के लिए सबसे पहले पीएएस कैंप की नियुक्ति होती है, इसके बाद कॉलेज के बच्चों को भेजा जाता है। उन्होंने बताया कि बच्चे भेजने के बाद बेस कैंप से हमारी नियुक्ति आईजीसी के लिए होती है, जो कि इंटर ग्रुप कंपटीशन के नाम से जाना जाता है। उन्होंने बताया कि इंटर ग्रुप कंपटीशन पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और चंडीगढ़ के बीच होता है। आईजीसी के बाद जो बच्चे चुने जाते हैं वे ही दिल्ली में होने वाली परेड में भाग लेते हैं। उन्होंने बताया कि इस बार शिमला ग्रुप से लगभग 26,000 एनसीसी कैडेट्स ने भाग लिया था, जिनमें सिर्फ 80 कैडेट लड़के और लड़कियां रोपड़ गई थी, जहां पर एकेडमी स्थित है। उन्होंने बताया कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और चंडीगढ़ को मिलाकर 1,40,000 एनसीसी कैडेट हैं, उनमें से सिर्फ 106 कैडेट ही दिल्ली की परेड के लिए चुने गए थे। दिल्ली परेड के लिए अलग अलग प्रतियोगिताएं करवाई जाती हैं, जिससे राजपथ, पीएम रैली और बेस्ट कैडेट ऑफ कल्चर के अलावा कई अन्य कैटेगरियों में भी चुना जाता है। निशा ठाकुर ने बताया कि इसके लिए काफी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। उन्होंने बताया कि लगभग 4 महीने घर से वे बाहर रही। उन्होंने गर्व महसूस करते हुए कहा कि राजपथ में 26 जनवरी को परेड करके उन्होंने ना सिर्फ अपने माता पिता व अध्यापकों का नाम रोशन किया है, बल्कि जिले का नाम भी इससे रोशन हुआ है। उसके लिए हमें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, काफी मेहनत भी करनी पड़ती है, काफी कुछ करना पड़ता है। उसके लिए हमें 3 से 4 मंथ्स हमें घर के बाहर रहना पड़ता है, हमें कैंप्स में ही रहना पड़ता है। दिल्ली में हमारा 1 मंथ का कैंप होता है, वहां पे हम 30 दिसंबर से लेकर के 30 जनवरी तक हमारा दिल्ली में कैंप होता है। राजपथ में जो बच्चे चलते हैं वो वहां पे डेली प्रैक्टिस तो करते हैं, लेकिन उनका थोड़ा सा रूटीन बाकी बच्चों से अलग भी होता है। उसके बाद 26 जनवरी परेड जो लास्ट डे आता है उस पे हम चलते हैं, जो कि हमारा एक सपना होता है, कैडेट का सपना होता है कि 26 जनवरी हम परेड चल रहे हैं। वो एक कैडेट के लिए बहुत बड़ी बात है, कैडेट के लिए नहीं, एक भारत में जो भी आर्मी ऑफिसर है, चाहे आर्मी में सिपाही है, चाहे जो भी है, वहां पे राजपथ में चलना एक बहुत बड़ी बात है, बहुत गर्व की बात है। और मैं भी बहुत ज्यादा गर्व महसूस कर रही हूँ कि मैं दिल्ली परेड के लिए चयनित हुई थी, मैं वहां पे राजपथ में मार्च करके आई हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और इसका श्रेय मैं अपने माता पिता, अपने गुरुजन, अपने टीचर्स, अपने सबको ही मैं श्रेय देना चाहती हूँ। मैं सीनियर अंडर ऑफिसर, जो कि एनसीसी में सबसे हाईएस्ट रैंक होता है, मैं पूरे धर्मशाला कॉलेज की सीनियर हूँ। धर्मशाला कॉलेज के साथ साथ मैं अपनी बटालियन की भी सीनियर हूँ, 1SP गर्ल्स बटालियन एनसीसी सोलन। उसके अंडर 17 कॉलेजेस और 25 स्कूल आते हैं और वैकेंसी के हिसाब से वहां पे बच्चे होते हैं। इसके अलावा मैंने पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़, ये मेरी डायरेक्ट्रेट है, हमारी डायरेक्ट्रेट है, इन 3 स्टेट मिला करके और एक 1 यूनियन टेरिटरी मिला करके मैंने इसका भी प्रतिनिधित्व किया है वहां पे ओवरऑल सीनियर बनके। इसके लिए मुझे फरवरी में हुए फंक्शन चंडीगढ़ में टैगोर थिएटर में हुए फंक्शन में गवर्नर ऑफ हिमाचल और ADG जो कि हमारे एडिशनल डायरेक्ट्रेट जनरल जो हमारे पंजाब डायरेक्ट्रेट के हेड हैं, उन्होंने मुझे अवार्ड देके नवाजा है, ADG डायरेक्टरेट मेजर जनरल RS मानसर द्वारा। जिंदगी में बस एक ही सपना है, इसी लाइन में जा रही हूँ तो आर्मी ऑफिसर ही बनना चाहूंगी। और डॉक्टर सीमा राव
जो कि मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ, वो कमांडो ट्रेनर है, तो मैं भी चाहती हूँ कि मैं इसी टाइप में कहीं जाऊँ, इसी लाइन में जाऊँ बस।